हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपसे शेयर करने वाले हैं कोकोनट मिल्क पुलाव की रेसिपी। दोस्तों, अगर आपने इस पुलाव को कभी भी नहीं बनाया है तो इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप बनाइए। आई होप आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने इसे पहले भी बनाया है तब भी आप इसे बनाएं तो आई होप आपको भी बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज जो मैंने पुलाव सर्व किया है वो मैंने सर्व किया है बिल्कुल बंगाली स्टाइल में। इसका मतलब ये है कि कोकोनट मिल्क पुलाव को आप अपने पसंदीदा कोई भी ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे मैंने आज सर्व किया है बिल्कुल बंगाली थाली के स्टाइल में। तो चलिए देख लेंगे फुल वीडियो। यहाँ पर मैंने 2 नारियल ले लिया है और उसे बिल्कुल इस तरीके से मैं ग्रेट कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पुराने स्टाइल से मैं ग्रेट कर रही हूँ इसे। यही जो है मेरे घर में अभी भी कंटिन्यू है और इसी से मुझे करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ग्रेट। तो ऐसे ही हम चारों जो पीसेस नारियल के हैं उसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बारीक से ये ग्रेट हो गया है। मैं कोई भी ऐसे मशीनी से करने में यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे इससे ही बहुत अच्छा लगता है ग्रेट करना। यहाँ पर मैंने 2.5 लीटर पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। हम वेट करेंगे तब तक जब तक न इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छे से बॉयल आ गया है। अब ग्रेट किए हुए कोकोनट को हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे और इसे हम स्टर करते जाएंगे जब तक ना पानी का कलर बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाए। इसका मतलब ये है कि गर्म पानी में ग्रेट किए हुए कोकोनट को डालने के बाद ये अपने आप ही मिल्क जो है रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा और तभी जो पानी है वो मिल्की वाइट हो जाएगा, यानी कि मिल्क जो है पानी के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमें तब तक इसे स्टर करना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पानी जो है रिलीज़ हो गया है। अब हमें इसे छन्नी से अच्छे से छान लेना है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा छन्नी ले लिया है। बहुत ही केयरफुली इसे करना है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बिल्कुल खौलता हुआ रहता है, तो हमें इसे बहुत ही केयरफुली छान लेना है। आप देख सकते हैं पानी में जो है बहुत ही अच्छे से मिल्क मिक्स हो गया है। यहाँ पर दोस्तों पानी में ग्रेट किए कोकोनट को मैंने एक बार मिक्स कर दिया है। इसे अच्छे से हम प्रेशर करते हुए बाकी का पानी भी निकाल लेंगे, लेकिन ये जो ग्रेट किया हुआ कोकोनट है इसे अभी वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर मैं 500 to 750 ml पानी और लूँगी। इसे दूसरी बार मैं डिप करूँगी, बॉयल दूँगी और कोशिश करूँगी जितना हो सके पानी उतना निकालने का। तो अभी फ़िलहाल इसे कर लेते हैं अच्छे से प्रेस। बाकी का जो स्टेप है ये देखिए, मैं इसके बारे में ही बोल रही थी। यहाँ पर हम अच्छे से दोबारा से बॉयल देंगे। यहाँ पर मैंने 750 ml पानी ले लिया है और बिल्कुल फर्स्ट टाइम की तरह सेकेंड टाइम हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलोग्राम छोटे दाने वाले चावल ले लिया है और ये पुलाव बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हमें धोने के बाद सोख नहीं करना पड़ता है, बस 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इसे पकाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी हांडी ले लिया है और इसमें डाल देंगे 1 कप रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही खड़े मसाले, इसे हम पहले गर्म कर लेंगे अच्छे से। जब तक ना इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तब तक हमें वेट करना है। दोस्तों इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि तेल बिल्कुल गर्म था। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। दोस्तों फ्लेम को अभी मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम में रखते हुए चावल को हम तब तक फ्राई करते रहेंगे जब तक ना इसमें मौजूद पानी खुश्क हो जाए, नहीं तो पुलाव अच्छे से नहीं बनेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं तेल के ऊपर मैंने चावल को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें अभी पानी नहीं है, वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये देखिए चावल अच्छे से नरम हो गया है। इसका मतलब है चावल जो है 40% तक कुक हो गया है। अब इसे हमें 60% कुक करना है। यहाँ पर पानी के साथ मिक्स करके मैंने जो मिल्क रेडी किया था उसे डाल देंगे और मेक श्योर दोस्तों ये जो पानी है, ये मिल्क है, ये बहुत ही गर्म होना चाहिए, नहीं तो पुलाव जो है हांडी में बिल्कुल स्टिक हो जाएगा और अच्छे से बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ पर पहले जो 2.5 लीटर पानी में मैंने मिल्क को रेडी किया था उसे डाल दिया है
और उसके साथ जो है चावल को हम बहुत ही अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। इस स्टेज में हमें फ्लेम को करना है बिल्कुल हाई। अब दूसरी टाइम जो मैंने पानी को रेडी किया था वो 750 ml था, उसे भी इसमें डाल देंगे। ये भी बहुत ही गर्म है, आप देख सकते हैं ग्रेट किए हुए कोकोनट में कुछ ब्राउन पार्ट्स रहते हैं, वो भी पानी में आ गया है। केयरफुली आप पानी को डालें, नहीं तो वो बिल्कुल पुलाव का जो टेस्ट है उसे स्पॉइल कर देगा। अब यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से चावल के साथ जो है नमक को हम मिक्स करते जाएंगे। इसीलिए बार बार मिक्स करना है ताकि जब बॉयल आए तो बॉयल किया हुआ जो पोर्शन है हर जगह अच्छे से हमें स्प्रेड करना है, ताकि एक तरफ बहुत ज़्यादा गर्म और एक तरफ मीडियम ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक को टेस्ट कर लेंगे, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा इसीलिए मैं दोबारा से डाल रही, आप भी चेक कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 kg चावल के लिए 2 नारियल को ग्रेट करके फिर 3 से 3.25 लीटर पानी के साथ मिक्स करके फिर उसे यूज़ कर रही। ये जो रेशियो है बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि 1 kg चावल 2 नारियल और पानी भी इतना ही रहेगा 3 से 3.25 लीटर। आप देख सकते हैं तेल जो है बिल्कुल ऊपर उभर के आया है और चारों तरफ बहुत ही अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसे हम बिल्कुल ऐसे कवर करेंगे, भूले से भी इसे फुल कवर नहीं करिएगा। लीड को हम थोड़ा सा खोल के रखेंगे और हाई फ्लेम में इसे हम तब तक बॉयल करेंगे जब तक चावल और पानी का लेवल सेम ना हो जाए। दोस्तों कुछ ही मिनट्स हुए हैं, मैंने हाई फ्लेम में इसे बॉयल दे दिया है और आप देख सकते हैं पानी जो है यानी कि मिल्क जो है और चावल का जो लेवल है सेम हो गया है, ज़्यादा पानी अब इसमें बाकी नहीं है। और मैंने आपको बता दिया है कि पहले आपको हाई फ्लेम में बॉयल देना है और इस पोजीशन तक लाना है। अगर आप इसे लो फ्लेम में बॉयल देते हैं तो चावल बिल्कुल गल जाएगा। ये आप देखिए चावल बहुत ही अच्छे से गला है 70% तक। अब यहाँ पर मैंने एक तवा गरम कर लिया है, हाई फ्लेम में इसे गरम करें और इसके ऊपर हांडी को रख दीजिए। चावल को अभी 30% तक गलना है तो इस स्टेज में यहाँ पर आके हम चीनी डाल देंगे। मैं यहाँ पर 1 कप चीनी डाल रही, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चीनी डालिएगा। अब इसे हम ढकेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से हम चावल को बाकी के परसेंटेज तक गला लेंगे। दोस्तों मेक श्योर चावल को गलाएंगे जब तक ना चावल और दूध सेम लेवल पर आ जाए, तब तक हमें हाई फ्लेम में बॉयल देना है। और जब आप चेक करेंगे कि चावल और दूध सेम लेवल पर आ गया है तब इसे हम डायरेक्टली कुक नहीं करेंगे, तवे के ऊपर रखेंगे और ख्याल करेंगे जब तक ना दूध जो है अच्छे से खुश्क हो जाए। इस स्टेज में आके हम इसे फुल कवर करके पकाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइमिंग का मेंशन नहीं किया है, आप प्लीज़ पुलाव को चेक करके टाइमिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मुझे लो टू मीडियम फ्लेम में 15 to 20 मिनट्स लगे हैं, उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। यहाँ पर मैंने अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स और काजू किशमिश को अच्छे से फ्राई करके इसके ऊपर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 2 teaspoon रोज़ वाटर के साथ फूड कलर डाल के इसके ऊपर डाल रही। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं लेकिन कोकोनट मिल्क जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, इसलिए मैंने इसमें घी मिक्स नहीं किया है। तो दोस्तों आज का जो रेसिपी है कोकोनट मिल्क पुलाव वो है बिल्कुल रेडी, और रेसिपी भी आपने देखा है वो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर मैंने कहा है आज मैं पेश करूँगी बंगाली स्टाइल में थाली। तो यहाँ पर मैंने सरसों का जो तेल है बहुत ही अच्छे से गरम कर लिया है, इसमें अब मैं फ्राई करने वाली हूँ हिल्सा को यानी कि हिल्सा फिश। इसे हमें बहुत ही क्रिस्प करके फ्राई कर लेना है। दोस्तों आप अपने पसंदीदा कोई भी करी या ग्रेवी को इस पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आए बंगाली स्पेशल थाली का तो इस पुलाव के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है हिल्सा फिश फ्राई और इसका जो ऑयल है वो। तो दोस्तों यहाँ पर जो मिल्क पुलाव है बिल्कुल हो गया है रेडी, इसे मैं सर्व कर रही क्रिस्पी तरीके से फ्राई किया हुआ हिल्सा और इसके ऑयल के साथ। दोस्तों यहाँ पर मैं और एक ग्रेवी जो है सर्व कर रही, वो है स्पाइसी बीफ चाप। उसका रेसिपी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको बीफ चाप बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक,
देखते रहिए रोमानास टेस्टी वर्ल्ड। फिर से मिलेंगे एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।